नहीं 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 अरे नहीं इधर 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 ही भाग के आओ क्या मर रहे रे क्यों जा रहे अरे वाइल्ड कार्ड थोड़ी ना जीतता है और आज मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो जीतेगा राखी थोड़ा पीछे हो जाओ ना मतलब मुझे इतना अच्छा लगा राखी थोड़ा पीछे कभी भी अच्छा लगा कि चलो आम इंसान थोड़ा पीछे जाओ ना बिग बॉस का जो ये अभी फॉर्मेट है वो इतना सुधर गया है कि उनके सीरियल की जो हीरोइन थी वो अब नहीं जीतती है उनके सीरियल वाले नहीं जीतते हैं और आम इंसान जो है वो जीत जाते हैं तो इसीलिए अब आई एम सो हैप्पी कि अब वर्ल्ड में से कोई भी बिग बॉस में जा सकता है और हम प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे एंड तक ऐसा लगा कि मनीषा रानी या पूजा भट्ट जीतेगी मुझे ऐसा लगा था बट आई कैन बिलीव के 2 मिलियन 14 में इतना आया ना वाओ मुझे इतना लगता है काफ़ी मिलियंस आए तो देखिए मैं एल्विस को इसलिए नहीं पहले सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोस्ट किया हुआ है यू नो समझ रहे हो ना रोज करते हैं ना जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ बट आई एम वेरी हैप्पी एल्विस कंग्रेचुलेशन आप जीत गए हैं OTT प्लेटफॉर्म एंड आई एम सो ग्लैड के लास्ट ईयर मैंने ही OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था स्पाइडर वुमन बन के पता नहीं हाँ तो ये क्रेडिट मुझे ही जाता है कि अनशन किया था मैंने आपको याद होगा तो आई एम सो ग्लैड के OTT प्लेटफॉर्म चल पड़ा है ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही है कि किसी भी चीज़ पर मैं हाथ रख दूँ वो सोना हो जाता है खरा सोना ये ऊपर वाले की देन है मुझे ये बात अलग है कि मेरी ज़िंदगी में कोई सोना चांदी नहीं हो रहा है होगा बट किसी भी कोई भी शो में करूँ वो हिट हो जाता है टच छोड़ बिकॉज बिग बॉस फर्स्ट से लेकर अभी तक यू नो मैंने किया है इतने लोग आए इतने लोग गए बट जो ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स एम्प्टी स्टमक स्टैंड है ना एम्प्टी स्टमक स्टैंड क्या है एमसी स्टैंड अरे बोलो ना भाई एमसी स्टैंड बट दुख की बात क्या है मैं आपको बताती हूँ जो जो भी बिग बॉस का विनर बनता है ना उनका करियर आगे चलता ही नहीं बोल जमूरे बोल जमूरे बम बम बोले प्रॉब्लम ये है आप सबको उठा के देख लो जितने भी है विनर्स और जो विनर्स नहीं होते हमारे जैसे हमारी निकल पड़ती है तो जो रनर अप होते हैं उनकी निकल पड़ती है बट ये पता नहीं क्या श्राप है क्या है क्या पता नहीं पर जो हारा वही सिकंदर जो हारा वही सिकंदर जो हारता है वही बाजीगर वही सिकंदर होता है वो जीतता है वो फिर बाद में कहीं वो एक ही टाइम वो पैसा लेके जाता है उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देता मुझे कभी बिग बॉस जीतना ही नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा का आम किंग मेकर क्वीन मेकर तो गाइज मैं है ना जाती हूँ धमाका करने तमाशा करने तो गाइज मुझे अच्छा लगता है बिग बॉस में जाके मैं वाइल्ड कार्ड हूँ मुझे परमानेंटली बिग बॉस ने मेरे पे बस कहते ना पासपोर्ट में स्टैंप लग जाता है वीजा का मेरे पे स्टैंप लगा दिया बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड का हाँ तो मैं वाइल्ड भी हूँ और मैं वाइल्ड कार्ड भी हूँ मुझे तब बुलाया जाता है जब सब लोग एंटरटेनमेंट नहीं देते ठंडे पड़ जाते हैं तो उनके बिछौड़े में डंडे मारने के लिए मुझे बुलाया जाता है समझ रहे हैं आप बोल चले।
तो फिर जब मैं जाती हूँ तो फिर हाथ में डंडा, एक हाथ में डंडा एक हाथ में झाड़ू, बिग बॉस में सबकी पिटाई करके आती हूँ, सबको मतलब सोए हुए हैं नागों को नागिनों को जगा के आती हूँ, यही मेरा काम है। नहीं मैं दिल से तहे दिल से बहुत खुश हूँ कि देख भाई एल्विस तूने तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है, तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है, चल तुझे माफ़ किया, तुझे ये जीत जो है बिग बॉस की मुबारक हो, बस घमंड नहीं करना, उन लोगों को नहीं भूलना जिन्होंने तुमको जीत के निकाला है, यू नो बिकॉज जब यहाँ बिग बॉस जीत जाते तो भी सबको बहुत घमंड आ जाता है। एक जय वीरू थे पता है कि नहीं, कौन था बिग बॉस में? अरे नल्लो तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? भारत माता की, भारत माता की, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वहाँ पे फ्लैग के नीचे, अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मेरे तुम लोग मीडिया के चक्कर में 10-10 केस पड़े, रोज पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तुम लोग कैसे कुछ करवा देते हो ना, लास्ट टाइम बताओ तुम लोग को वो बाइक बाइक पर बैठ गई, किसकी रेड वाली बाइक थी, गए थे क्या? ओ फाइन वो इसने भरा है, धनंजय ने फाइन भरा है। सो हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए एल्विस की, और आज जो इतना बड़ा दिन है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं आजकल ज़्यादा मीडिया के सामने आती नहीं हूँ बिकॉज मैं हॉलीवुड की फिल्में कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा दुबई लंदन अमेरिका कनाडा रहती हूँ। सही बोल रही हूँ, अब मेरी अंग्रेजी पे किसी ने सवाल उठाया उड़ उड़ के मारूँ।